और जल लोक आयुक्त ने कार्यवाही की। जावरा नगर पालिका के CMO नीता जैन के कार्यालय में अधीनस्थ कर्मचारी विजय सक्तावत को 18,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत ठेकेदार पवन भावसार से पेंडिंग बिल भुगतान को लेकर ली जा रही थी। ठेकेदार पवन के द्वारा लोकायुक्त जैन को शिकायत के बाद कार्यवाही की गई है। दरअसल जावरा नगर पालिका द्वारा करीब 11 लाख के ठेके पर निर्माण कार्य करवाए गए थे। ठेकेदार पवन भावसार की बची राशि को लेकर CMO द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी। ठेकेदार पवन ने लोकायुक्त उज्जैन को इसकी शिकायत की। इसके बाद लोकायुक्त ने CMO नीता जैन और बाबू विजय सक्तावत से शिकायत करा की कॉल रिकॉर्डिंग भी करवाई, जिसमें दोनों के द्वारा 18,500 की रिश्वत मांगी गई थी। शुक्रवार को तय समय पर शिकायतकर्ता पवन के साथ लोकायुक्त जावरा नगर पालिका पहुंची और जैसे ही रिश्वत के 18,500 की राशि CMO नीता जैन के कक्ष में बाबू विजय ने हाथ में ली, लोकायुक्त ने रंगे हाथों बाबू विजय को गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त ने CMO नीता जैन और बाबू विजय दोनों को आरोपी बनाया और कार्रवाई की है। क्या कुछ आपके द्वारा मामला ये लोकायुक्त में शिकायत करी थी, CMO मैडम पैसे मांग रही थी। फाइनल बिल था मेरा, 3 साल पुराना काम था और फाइनल के 3% पैसे मांग रही थी पूरे काम के, जबकि PC पहले दे चुके अपन। और मैडम को हमने बता दिया कि मैडम ये मैटर है और ये फाइनल है, हमारे तो FDR निकालना है, बैंक में जो हमारी 5% राशि जमा है वो निकालना है। कितने पैसे की मांग की गई थी? 25,000 रुपये की। ये कौन सा काम आपके द्वारा करा गया था, किस चीज़ के लिए बिल था? ये बांडाखाल कब्रिस्तान का काम था, मालीपुरे की नाली थी, रतलामी गेट से सेंटर थे स्कूल तक की नाली थी और एक गुलशन टाइजी का CC रोड था। गुलशन टाइजी के यहाँ हमारी 1,23,000 की FD है और 60,000 रुपये करीब और दूसरा अन्य। हमारे को पूरे काम का पैसा मांगा गया 25,000-26,000 रुपये, फिर 20,000 में तोड़ हुआ, मैं 15,000 रुपये लेके आया तो मैडम ने वापस पहुँचाया कि नहीं 20,000 रुपये पूरे चाहिए। नहीं, बाबू के जरिए, विजय सिंह सक्तावत, PWD विभाग। क्या कुछ कहा गया PWD? मैडम ने बोला कि अभी मैं तो 15,000 नहीं 20,000 पूरे लेंगी, फिर FD रिलीज करूँगी, साइन करूँगी। किस विभाग को आपने शिकायत की, क्या हुआ? अपनों ने 15,000 रुपये पहले दिए, फिर नहीं मानी मैडम, बाबू को बोला कि नहीं मेरे को 20 चाहिए, तो फिर 3,500 रुपये और मेरी जेब में थे वो मैंने दिए। और फिर मैडम को पेमेंट देने आया, फिर लोकायुक्त की टीम ने तो यहीं घेर लिया। मैंने 9 तारीख को ही लोकायुक्त में शिकायत कर दी थी। ये आवेदक पवन भावसार ने 9 तारीख को लोकायुक्त SP को एक शिकायत की थी कि CMO उनके FD रिलीज करने के लिए रिश्वत की मांग कर रही है। इस पर एक ट्रैप ऑर्गेनाइज कराया गया। 9 तारीख और 10 तारीख को रिकॉर्डिंग कराई गई, जिस पर से 12 तारीख को 15,000 रुपये लेके CMO ने बुलाया था और बाबू को देने की बात हुई थी। तो बाबू को जब CMO से पूछने गया तो उन्होंने कहा कि पूरे 20,000 लाए, तो फिर आवेदक ने 3,500 रुपये और अपने हाथ से मिलाकर उनको दिए। बाबू को इस तरह 18,500 रुपये लेते हुए बाबू को रंगे हाथों पकड़ा है। इसमें CMO भी आरोपी हैं और बाबू दोनों आरोपी हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। मुख्य आरोपी CMO है, सह आरोपी बाबू है। 18,500 रुपये मुख्य आरोपी नीता जैन CMO जावरा। जो रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।